मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर अक्षय कामले। सो गाइज, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिस्टम का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आपके डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स, जहाँ पर सबसे पहला है आपका दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है आपका लीवर, थर्ड है आपका पैनक्रिया एंड लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं गॉल ब्लैडर। सबसे पहले गाइज, आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें आप लोगों ने कुछ एरर नोटिस किया होगा। अगर गाइस आप लोगों को वो एरर मिला है या नहीं मिला है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हम लोगों को ये एरर मिला है करके। ओके गाइस, और अगर नहीं भी मिलता है तब भी कमेंट कीजिए, देन आई विल ड्रॉप द एरर कि क्या एरर है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि यस ये सेक्शन में ये एरर है करके। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गन्स। हम लोग एसेसरी ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा ऑर्गन है दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड। सो यहाँ पर आपका सलाइवरी ग्लैंड है गाइस। सो लेट मी पुट ऑन द लेजर पॉइंटर। ओके, सो गाइस अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो डेफिनेटली दैट यू आर हैविंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सबसे पहला है आपका पैरोटिड, सेकेंड है आपका सब मैंडिबुलर एंड थर्ड है आपका सबलिंगुअल। सो ये जो है गाइस, दिस ये जो नाम है, ये नाम आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग टू द पोजीशन दिए गया है। ओके गाइस, सो ये जो ग्लैंड्स है ये आपके पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे। सो दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये डायरेक्टली उनका सिक्रीशन वहाँ पर सिक्रेट करके दे देंगे हम लोगों को। ओके गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स में अगर आप छोटे छोटे वर्म लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलो एसिनर ग्लैंड्स। ये छोटे छोटे जो ग्लैंड्स है, सो ये सारे ग्लैंड्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना है जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, और ये आपको सलाइवा सिक्रेट करके दे देंगे। और ये सलाइवा का काम ये है कि आपके ओरल, आपका जो भी ओरल स्ट्रक्चर है जिनमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम, या तो फिर ओरल हाइजीन मेंटेन करने का काम हम लोगों को कौन करके देगा? सलाइवा करके देगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो भी फूड खाते हैं, फूड के साथ में मिक्स्ड होगा एंड डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूसेस अ बोलस। ओके, जो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, वहां पर एक बोलस तैयार होता है जिनमें सलाइवा का भी सिक्रीशन होता है। ओके गाइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मैंने आपको एक टर्म दिया है, दैट टर्म सलाइवा इज अ ग्रीक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल हाइजीन। ओके गाइस, सो नॉर्मली हम लोग इन अ डे में यहाँ पर हम लोग सलाइवा जो है 1 to 1.5 liters ऑफ सलाइवा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सो गाइस, आपका ये फर्स्ट MCQ हो सकता है कि मतलब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सलाइवा इज सिक्रेटेड इन पर डे। सो दिस इज द आंसर फॉर इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर सलाइवा का pH भी दिया है। ओके, एंड सलाइवा का नेचर कैसा होता है प्लाज्मा में, दैट इज अ हाइपोटोनिक इन नेचर। ओके गाइस, तो सलाइवा हाइपोटोनिक इन नेचर में होता है, ओके, प्लाज्मा में। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर उसका अपीयरेंस भी मैंने दिया है, एंड द अपीयरेंस इज टर्बाइड इन नेचर। ओके गाइस, सो दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सलाइवरी ग्लैंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स कौन से हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। ओके गाइस, सो सलाइवरी ग्लैंड में मेजरली दैट वी आर सीइंग द टू टाइप्स। सो फर्स्ट इज द मेजर टाइप एंड द सेकंड इज द माइनर टाइप। सो मेजर टाइप में हम लोग देखने वाले हैं दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग द थ्री ग्लैंड्स जो मेजर रहेंगे, दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट माइनर में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ग्लैंड्स है या तो फिर डक्ट्स है यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, बट हम लोगों को जो नीट अपियर्स नीट एस्पिरेंट्स है उन लोगों के लिए दिस थिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे या तो फिर मेडिकल अपियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, उन सब के लिए ये सारे इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है दैट सलाइवरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दैट इज द मेजर एंड माइनर। सो मेजर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके लिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, देन सब लिंगुअल ग्लैंड है। ओके, नाउ गाइस अभी हम लोग इन तीनों ग्लैंड्स का लोकेशंस देखते हैं। ओके गाइस, सो लोकेशन अगर आप देख पा रहे होंगे तो लोकेशन में आप देखिए, सबसे पहले आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है, द पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट बिलो ईयर। ओके गाइस, ओके गाइस, सो यहाँ पर आपकी पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड आपके ईयर के नीचे प्रेजेंट है। ओके, सेकेंड दैट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड,
दैट सबलिंगुअल ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द टंग. ओके गाइस, सो ये जो आपका टंग है जिसको हम लोग लिंगुला भी बोलते हैं या तो फिर जिसको हम लोग ग्लॉटिस भी बोलते हैं, उसके नीचे यहाँ पर आपकी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है एंड दैट इज वाई हम लोग उसको सबलिंगुअल ग्लैंड भी बोलते हैं. एंड द लास्ट है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो लोअर जॉ है गाइस. लोअर जॉ में एनाटॉमी में लोअर जॉ को मैंडिब्यूल भी बोलते हैं. ओके गाइस, सो इसलिए हम लोग ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं. ओके गाइस, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. जितने भी आपके सलाइवरी ग्लैंड है उन सबका लोकेशन है. ओके, एंड द लास्ट पार्ट इन द सलाइवरी ग्लैंड इज द कंपोजिशन. सो कंपोजिशन में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो दैट सो लेट्स सी विद द थिंग्स कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि वाटर जो है दैट वाटर इज कंस्टिट्यूट अबाउट 99%. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर सॉलिड पार्ट जो है, सॉलिड पार्ट में हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, सेलुलर कंपोनेंट में और गैसियस में. ओके गाइस, सो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं वी आर हैविंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स. नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, इंटरफेरॉन फैक्टर्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन एस है, दैट IGS इज इम्यूनोग्लोबुलिन एस, IF इज नथिंग बट द इंटरफेरॉन्स. ओके गाइस, एंड नाउ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस को हम लोग अगर इनके इनिशियल्स लेके देखते हैं तो इनका इनिशियल्स होता है NPN सब्सटेंसेस. ओके गाइस, ओके, सो हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग सलावा के कंपोजिशन में देखते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस. ये आप लोगों को 5 मार्क्स के लिए सेपरेट भी पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं. राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा जिनमें आप लोगों को ये सारे कंपोजिशन लिखने हैं गाइस. अगर आप लोग ऐसा भी लिखते हैं विद द टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, अगर आप सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ में कंपोजिशन ऐसा भी लिखते हैं गाइस, तो आप लोगों को आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है. ओके ओके, सो गाइज लोकेशंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि लोकेशंस यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सब मैंडिबुलर ग्लैंड का लोकेशन क्या है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सबलिंगुअल ग्लैंड का लोकेशन क्या है. ओके गाइज, सो गाइज द नेक्स्ट इज योर लिवर. लिवर जो है गाइज आपका लिवर जो है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज लीवर जो है गाइज, लीवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट रहता है एट द राइट साइड ऑफ द स्टमक. जो भी हमारा स्टमक है, स्टमक के डेफिनेटली अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लीवर देखने मिलेगा डेफिनेटली, और लीवर आपको यही देखने मिलेगा. ओके, एंड दिस इज द राइट पोर्शन और दिस इज द राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन एज वेल. ओके गाइज, सो दिस इज द हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन एंड आपका जो लीवर है, लीवर आपका प्रेजेंट रहेगा बिलो डायफ्राम मसल. सो गाइस ये जो लीवर है, लीवर यहाँ से ऊपर से सराउंड रहेगा डायफ्राम मसल से. ओके, सो ये सराउंड रहेगा डायफ्राम मसल के साथ में एंड प्रेजेंट इन द राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमेन. ओके गाइस, एंड अगर आप प्रॉपरली देखोगे या तो फिर प्रॉपरली स्टडी करोगे लीवर का, देन यू आर हैविंग 8 segments टू द लीवर. सो लीवर को आपको 8 segments देखने मिलेंगे. सो डेफिनेटली सेगमेंट्स मीन्स दिस लाइन्स आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स. Then we are having 2 lobes, right and left lobe. Okay guys, okay, so this is the most important structure in the body because it controls the metabolic activities of body. Apart from that, liver jo hai, liver body mein waste ko bhi control karega, medicines ko metabolized bhi karega, and apart from that yahan par immune system bhi produce karke dega, and apart from that yahan par 13 coagulation factors jo hum log इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर में देखते हैं, ये भी हम लोगों को कौन प्रोड्यूस करके देने वाला है, लीवर. दैट इज वाई लीवर इज कॉल्ड एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. ओके गाइज, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सी गाइज यहाँ पर लोकेशन दिया है मैंने, अपर राइट हैंड पोर्शन बिलो डायफ्राम मसल. ओके गाइज, सो यहाँ पर मैंने कलर भी दिया है, यहाँ पर वेट भी दिया है लीवर का, दैट इज द 3 pounds. ओके, एंड लीवर जो है डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर में रहेगा. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर 2 important हम लोग ब्लड वेसल्स देखने वाले हैं, दैट इज द हेपेटिक आर्टरी जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करके देगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल वेन भी है जो आपको न्यूट्रिएंट रिच ब्लड सप्लाई करके देगी आपके लीवर को. ओके गाइस, सो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि लीवर में हम लोगों को 1000 lobes प्रेजेंट रहेंगे. यहाँ पर सी द 1000 lobes आर हियर.
देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टू मेन लोब्स है, दैट इज द राइट एंड लेफ्ट लोब. ओके एंड एट सेगमेंट्स आर देयर. सी द एट सेगमेंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ 1000 लोब्स. ओके सो यहाँ पर जितने भी लोब्स है सारे लोब्स में 1000 लोबल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले हैं. ओके गाइज एंड यहाँ पर गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट रहने वाला है. सी सो दिस इज द इन्फीरियर रीजन ऑफ द लिवर. ओके गाइज सो ये आपका इन्फीरियर रीजन है. दिस इज द सुपीरियर रीजन, दिस इज द इन्फीरियर रीजन. सो यहाँ पर आपको गॉल ब्लैडर देखने मिलेगा. ओके गाइज सो गॉल ब्लैडर में हम लोग स्टोर करने वाले हैं बाइल को. बाइल सीक्रेट होने वाला है लिवर में. ओके गाइज सो हम लोग इनके पार्ट में देखने वाले हैं को ये किस तरह से सीक्रेट होने वाला है. ओके सो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ फंक्शंस दिए हैं गाइज. डेफिनेटली लिवर जो है बॉडी के जितने भी केमिकल्स है सबको एक्सक्रीट करने में हेल्प कर देगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रग को मेटाबोलाइज करने में हेल्प कर देगा. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सीक्रेट करके मिलेंगे. देन इम्यून सिस्टम मेंटेन होगा. देन आरबीसी अगर ब्रेक डाउन हो रहा है या तो फिर बॉडी में कोई भी सेल ब्रेक हो रहा है तो उनमें से जो भी प्रोटीन रिलीज होगा उन प्रोटीन को भी मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट करने का काम हमारा लिवर करने वाला है. ओके गाइस सो अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड में अमीनो एसिड का जो भी लेवल रहने वाला है वो लेवल को मेंटेन कर देंगे. क्यों? बिकॉज हम लोगों को यहाँ पर एनाबोलिक प्रॉपर्टीज या तो फिर हम लोगों को यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स बनाने हैं. दैट इज वाई हम लोगों को यहाँ पर अमीनो एसिड का प्रोपोर्शन भी मेंटेन करके रखना है ब्लड में. ओके गाइस सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लिवर. सो ये आपके लिवर के फंक्शंस हैं. आपने ये सारे फंक्शंस का नोट निकाल लेना है, नोट्स निकाल लेने हैं. ओके गाइस सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अगर लिवर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में डेफिनेटली हम लोग देखने वाले दैट इज द सेंट्रल वेन. तो सेंट्रल वेन में हम लोग देखने वाले हैं कि लिवर के जो भी स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर पे यहाँ पर प्रेजेंट है हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट. ओके गाइस सो ये दिस थ्री स्ट्रक्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. ये जो थ्री स्ट्रक्चर्स है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन लिवर. सो लिवर में ये तीनों भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है. ओके सो गाइस सी सो दिस आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज द हेपेटोसाइट्स, बाइल कैनेलिक्यूलाई. ओके एंड द लास्ट इज हेपेटिक साइनोसाइडस. ओके गाइज सो अभी हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं कि ये क्या है. अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्या क्या है यहाँ पर गाइज? हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट. ओके गाइज सो ए वी डी. ओके ए मीन्स आर्टरी, वी मीन्स वेन एंड डी मीन्स डक्ट. ओके गाइज ओके सो नेक्स्ट है. सो दिस इज द योर हेपेटोसाइट सेल्स. ये आपका हेपेटोसाइट सेल्स है. सो दिस इज कॉल्ड एज द हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल आर्टरी एज वेल. दिस इज कॉल्ड एज द पोर्टल वेन एंड दिस इज द डक्ट. ओके गाइज एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल वेन. ओके सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपको मेटाबोलिक सिक्रीशन करके दे देगा, सिक्रेटरी सिक्रीशन करके दे देगा जो आपके फूड के साथ में या तो फिर एंडोक्राइन जो भी फंक्शन रहने वाला है उसको हेल्प कर देगा. ओके एंड दिस व्हाट दे डू. सो दिस हेपेटिक आर्टरी गिव्स 25% ब्लड टू द हेपेटोसाइट सेल्स एंड 75% ऑफ ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन बिकॉज दिस पोर्टल वेन कंटेन न्यूट्रिएंट रिच ब्लड. ओके गाइस सो यहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड रहने वाला है एंड दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने वाला है. ओके गाइस ओके सो नेक्स्ट इज बाइल कैनेलिक्यूलाई. सो ये आपका कैनेलिक्यूलाई है. सो ये आपका लीवर का स्ट्रक्चर है. अगर आप प्रॉपरली अगर देख पा रहे होंगे तो गाइस सो दिस इज योर लीवर. सो ये आपका लीवर है. सो दिस इज योर हेपेटोसाइट सेल्स और ये हेपेटोसाइट सेल्स में आप लोगों को एक कैनल दिख रहा होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज कैनेलिक्यूलाई. दिस इज कॉल्ड एज कैनेलिक्यूलाई जिनमें यहाँ पर स्टोर्ड होगा या तो फिर सिक्रीट होगा, नॉट स्टोर्ड सिक्रीट होगा आपका बाइल. ओके सो बाइल यहाँ पर आपका सिक्रीट होने वाला है. सिक्रीट होने के बाद बाइल यहाँ से ड्रॉप डाउन किया जाएगा इन राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में. सो दिस राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फॉर्म अ डक्ट जो कनेक्ट होगी आपके गॉल ब्लैडर के साथ में एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हेपेटिक डक्ट. सो गाइज ये आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट है. ओके सो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट आपके गॉल ब्लैडर में ओपन होने वाली है. ओके गाइस और गॉल ब्लैडर में जैसे ही ओपन होगी आपके बाइल को वहां पर स्टोर किया जाएगा. ओके
So next is your hepatic sinusoids. So this hepatic sinusoids is nothing but the penetrated cells. Penetrated मतलब guys, for example अगर आप आपकी चाय गालने वाली, अगर आप चाय पत्ती या not चाय पत्ती, चाय गालनी, okay, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप वो देखोगे तो उनको भी हम लोग penetrate ही बोलते हैं, okay, penetrated capillaries. तो यहाँ पर ये जो sinusoids है, this sinusoids are called as penetrated capillaries, जो डेड सेल्स या तो फिर जो भी डेब्रिस यहाँ पर प्रेजेंट होगा इनको बाहर निकालने का काम यहाँ पर आपके हेपेटिक sinusoids कर देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स भी देखने मिलेंगे जिनको हम लोग स्टेलेट सेल भी बोलते हैं. सो दिस स्टेलेट सेल्स, ये सेल, दिस सेल्स आर मोर इम्पोर्टेंट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल गाइस, जो भी क्रोनिक ड्रिंकर्स होते हैं उन लोगों में ये सेल्स का होना बहुत जरूरी होता है. क्यों? बिकॉज आफ्टर ड्रिंकिंग वहां पर लिवर के सेल्स खराब होंगे एंड डेफिनेटली वहां पर फाइब्रोसिस होगा. बट ये जो है ये क्या करेगा, ये लिवर को फाइब्रिनोजेनेसिस में जाने से रोक लेगा, ओके गाइस, और लिवर का फिजियोलॉजी को प्रॉपर मेंटेन करके रख देगा फिर से. दैट इज वाई दिस स्टेलेट सेल इज इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज ये फाइब्रिनोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होने देगा इन लिवर, ओके गाइस. ओके, सो नेक्स्ट इज योर बाइल. सो बाइल जो है गाइस, बाइल जो है दैट इज सिक्रेटेड बाय और मेड अप ऑफ, और मेड बाय, नॉट मेड अप ऑफ, मेड बाय लिवर. सो आपके लिवर, लिवर जो है आपको बाइल बनाकर दे देगा. एंड बाइल का जो फंक्शन है, दिस बाइल हेल्प, ये जो बाइल है, बाइल आपको हेल्प करेगा जो भी आप लोग फैट या तो फिर फैटी एसिड या तो फिर स्टेरॉल्स आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको एमल्सिफाई करने के लिए, ओके. फॉर एग्जांपल दिस लिपिड को प्रॉपरली सर्कुलेट करने का काम कौन कर देगा, बाइल. क्यों? बिकॉज हम लोगों को फैटी मॉलिक्यूल्स को या तो फिर फैटी एसिड को प्रॉपरली ब्रेक करना है. दैट इज वाई हम लोगों को फैटी मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले कवर्ड अप करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बाइल, एंड द कवर्ड अप प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन, ओके गाइस. सो हम लोग इन अ डे में 0.25 टू 1 लीटर ऑफ बाइल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ओके, और हम लोग उसको स्टोर्ड भी करते हैं, ओके गाइस. यहाँ पर मैंने आपको बाइल का मतलब ये भी दिया है, अपीयरेंस दैट बाइल इज एक्वियस अल्कलाइन एंड ग्रीनिश येलो लिक्विड, ओके गाइस. सो यहाँ पर आपके बाइल का कलर भी है कि किस तरह से आपका बाइल का कलर होगा. एंड बाइल जो है, बाइल यहाँ पर आपका एसिडिक इन नेचर में रहेगा, ओके गाइस. ओके, सो बाइल जो है, बाइल को हार्मोन लगेगा सिक्रेटिन, ठीक है. सो जैसे ही हमारे पास सिक्रेटिन हार्मोन आता है यहाँ पर हमारे पास बाइल सिक्रेट होना स्टार्ट होगा, मीन्स ये स्टिमुलेट कर देगा बाइल के सिक्रेशन को, ओके. सो विच हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन. सो गाइस ये आपका एमसीक्यू हो सकता है कि जो भी आपका सिक्रेटिन हार्मोन है, ये सिक्रेटिन हार्मोन आपको हेल्प कर देगा बाइल के सिक्रेशन में, ओके. सो यहाँ पर मैंने टू मेन ग्रुप्स भी दिए हैं आपके बाइल के. सो बाइल इज एसिड डिपेंड, एसिड डिपेंडेंट एंड बाइल इज नॉन एसिड डिपेंडेंट, ओके गाइस. सो यहाँ पर टू ग्रुप्स भी है, ओके. सो नेक्स्ट इज योर पैनक्रिया. सो पैनक्रिया जो है, दैट पैनक्रिया इज प्रेजेंट इन सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम. सो पैनक्रिया जो है गाइस, पैनक्रिया यहाँ पर डियोडिनम के सेकेंड पार्ट में प्रेजेंट होता है. And this is the most important organ in digestion and absorption. क्यों? Why? अभी हम लोग तो देख रहे हैं guys कि सारे organs जो है, सारे organs help कर रहे हैं कि जो भी हम लोग food material खा रहे हैं उनको digestion and absorb करने के लिए. Then why pancreas भी important organ है? Okay. Because pancreas helps in digestion and absorption of all of the three molecules जो भी हम लोग खा रहे हैं. For example, carbohydrate, fat, एंड लिपिड. इन सारों को एब्जॉर्ब करने के लिए या तो फिर इन सारों को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रिया जो है हेल्प कर देगा, ओके. और पैनक्रिया जो है, दैट पैनक्रिया इज डिवाइडेड इन फोर रीजन. पैनक्रिया जो है फोर रीजन में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला दिस इज द हेड रीजन जो अटैच रहेगा आपके सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम के साथ में. सो दिस इज द हेड, दिस इज द हेड, दिस इज कॉल्ड एज द नेक रीजन.
जो आपके हेड एंड बॉडी को कनेक्ट करके रख देगा. सो दिस इज द नेक, दिस इज द बॉडी पार्ट, ओके गाइस, एंड दिस इज द टेल रीजन. ओके, सो दिस टेल रीजन इज एंड इन हीलियम ऑफ स्प्लीन. सो यहाँ पर आपका स्प्लीन प्रेजेंट रहेगा कुछ इस तरह से, एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड एज द हीलियम. ओके गाइस, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पर एक कैन्यूला भी है, कैनल भी है. दिस इज कॉल्ड एज डक्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज द पैनक्रियाटिक डक्ट. सो ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, दिस पैनक्रियाटिक डक्ट गिव्स यू टू ब्रांचेस. आप लोगों को यहाँ पर दो ब्रांचेस दे रही है. सो एक ब्रांच जो है, दैट ब्रांच इज कनेक्ट विद द कॉमन बाइल डक्ट, और एक ब्रांच जो है वो ब्रांच डायरेक्टली गोज इन टू द ड्यूडिनम. ओके गाइस, सो एक ब्रांच जो है डायरेक्टली आपके ड्यूडिनम में चले जाने वाली है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूसेस का नेचर जो है, दैट इज अल्कलाइन इन नेचर. वो अल्कलाइन इन नेचर में रहेंगे. एंड यहाँ पर हम लोगों को नंबर्स ऑफ एंजाइम्स एंड नंबर्स ऑफ हार्मोन यहाँ पर हम लोगों को सीक्रेट करके मिलने वाला है. ओके गाइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैनक्रिया. हेड जो है पैनक्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज हेड में जो है, हेड आपको सोमैटोस्टैटिन एंड इंसुलिन ये दो हार्मोन सीक्रेट करके दे देगा, जो आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाद में शुगर को कंट्रोल कर देगा प्लाज्मा में. ओके गाइस, देन अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, यहाँ पर आपको एक डोर भी देखने मिलेगा, जिसको हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं. ओके, सो दिस इज कॉमन बाइल डक्ट, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट है, एंड दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट. सो जब भी आपके कॉमन बाइल डक्ट का या तो फिर पैनक्रियाटिक डक्ट का सिक्रीशन यहाँ पर आने वाला है, आपके बाइल डक्ट, सॉरी नॉट बाइल डक्ट, आपके स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन होने वाले हैं. एंड जैसे ही ये डोर ओपन होगा, आपके जो भी सिक्रीशन है, सिक्रीशन किधर आने वाले हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके गाइस, सो लास्ट पार्ट इज योर गॉल ब्लैडर. सो गाइस, ये आपका गॉल ब्लैडर है. हम लोगों ने देखा था लीवर के इंट्रोडक्शन में, गॉल ब्लैडर जो है, दैट इज प्रेजेंट एट द इन्फीरियर पार्ट. यहाँ पर इंफीरियर रीजन पे यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो फिर इंफीरियर पार्ट पे प्रेजेंट रहेगा गाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका लेंथ रहेगा, गॉल ब्लैडर का लेंथ रहेगा 8 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. यहाँ पर 8 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर यहाँ पर 3 regions में डिवाइड होगा. फर्स्ट इज टेल, और इसको हम लोग नेक भी बोलते हैं. सेकेंड इज बॉडी, एंड थर्ड इज फंडस पार्ट. ओके गाइस, नेक को यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे गाइस, तो यहाँ पर कनेक्टेड है आपका सिस्टिक डक्ट. इन सिस्टिक डक्ट में आपको वॉल्स भी दिखेंगे. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दैट इज द राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, जो बाइल को कलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर लाके स्टोर कर देंगे. ओके गाइस, एंड जैसे ही हम लोगों को बाइल की जरूरत पड़ती है, कॉमन बाइल डक्ट क्या कर देगा, कॉमन बाइल डक्ट उसको रिलीज कर देगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के पास में लेकर आएगा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रॉप डाउन कर देगा. ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द जितने भी हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, उन एसेसरी ऑर्गन्स के रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी. गाइस, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आप लोग मुझे कमेंट में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड गाइस, आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा डेफिनेटली. अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.